नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक जेवर एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। बता दें, जेवर एयरपोर्ट पर यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने के लिए और राज्य सरकार पैसा देने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक परियोजना करीब 70% खर्च दोनों सरकार वहन करेंगी, यानी दिल्ली सरकार और मोदी गवर्नमेंट। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो काम चल रहा है वो 450 करोड़ रुपये यमुना एक्सप्रेस वे के यहां पर प्राधिकरण वहन करेगा। वहीं प्रोजेक्ट पर 3 साल तक काम चल सकता है। प्रोजेक्ट पर 3 साल से चल रहा है काम ऑलरेडी। आपको बताना चाहेंगे कि यमुना प्राधिकरण 3 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्राधिकरण डीपीआर बनने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी को दी थी। वहीं 6 महीने पहले डीपीआर यमुना प्राधिकरण अथॉरिटी को सौंप दिया था। हालांकि परियोजना की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संभाल रहा है। आपको यहां पर बताना चाहेंगे दोस्तों कि डीएमआरसी डीपीआर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 35.6 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाना है। इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 29 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। खर्च घटाने के लिए मेट्रो का पूरा कॉरिडोर जमीन पर बनाया जाएगा, इससे खर्च करीब 50% कम हो जाएगा। आपको बता दें, वहीं अगर कॉरिडोर एलिवेटेड होता तो प्रोजेक्ट की कीमत करीब करीब 3000 करोड़ रुपए हो जाती। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर मेट्रो आने से काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। मेट्रो रेल का यह कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेस वे से समांतर बनेगा। इससे भविष्य में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं बायोटेक्निकल गार्डन और अघोला पक्षी विहार मेट्रो स्टेशन तक नोएडा में 50 से ज़्यादा सेक्टर इस लाइन से जुड़ जाएंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा शहर के नॉलेज पार्क और करीब 1 दर्जन आवासीय सेक्टर सीधे मेट्रो लाइन से जुड़ जाएंगे। बता दें, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली को मेट्रो ट्रेन के जरिए जोड़ा जाएगा। दोनों के बीच 81.56 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसमें 66.6 किलोमीटर एलिवेटेड रूट होगा। वहीं 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो रहेगी। यात्रियों को करीब 82 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान ग्रेटर नोएडा सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में मेट्रो बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह है अभी तक की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेटेस्ट अपडेट मेट्रो को लेकर। कैसे लगे आपको, कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।